प्रभात, मैं संजय घेतोड़ी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय में हम आज चौथा पाठ औद्योगिकरण का युग इसको प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला टॉपिक हमारा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, इसके कारण क्या थे। तो यहाँ पर लिखा भी है कि इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के कारण। तो अब हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे उन कारणों के बारे में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए सहायक सिद्ध हुए और वह इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इंग्लैंड इतिहास की तरफ हम जब जाते हैं तो इंग्लैंड ने विश्व के अनेक देशों को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। तो एक तरह से आर्थिक रूप से बहुत संपन्न यह देश था। इसने धीरे धीरे विश्व के बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, कई सौ वर्षों तक उन पर आधिपत्य किया, उन पर शासन चलाया। अब कारण क्या क्या रहे कि इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उन कारणों को हमने यहाँ पर लिखा है। तो पहला जो हम बिंदु ले रहे हैं वह है पूंजीपति वर्ग। उद्योगों की स्थापना के लिए यदि हम कोई भी चीज करना चाहें, शुरुआत करना चाहें, तो धन की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लैंड उस समय आर्थिक रूप से संपन्न देश था, अनेक पूंजीपति इंग्लैंड में निवास करते थे। अब अनेक देशों को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बनाया था, उन देशों का शोषण किया जाता था, उन देशों से जो धन प्राप्त होता था वह सीधे इंग्लैंड जाता था, जिससे इंग्लैंड खूब फल फूल रहा था। तो पूंजीपति वर्ग इंग्लैंड में निवास कर रहा था। अब उद्योगों की स्थापना के लिए एक आवश्यक तत्व है पूंजी का होना। धन होने के बाद ही बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो पूंजीपति वर्ग था इंग्लैंड के पास, पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी जो उद्योग धंधों की स्थापना के लिए सहायक सिद्ध हुई। दूसरा बिंदु लेते हैं इंग्लैंड के उपनिवेश। अब जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हम पढ़ते हुए आए हैं कि अंग्रेजों का जब साम्राज्य था उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अर्थात ऐसा था, अलग अलग महाद्वीपों में बहुत सारे देश इन्होंने अपने गुलाम बना रखे थे। अब क्या है, कहीं पर दिन हो रहा होगा, कहीं पर रात हो रही होगी। जहाँ पर दिन हो रहा है वहाँ पर अंग्रेजों का कोई ना कोई उपनिवेश हुआ करता था। इसीलिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के जो साम्राज्य था उसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था। किसी एक देश में सूर्यास्त हो रहा तो तब तक दूसरे देश में सूर्योदय हो जा रहा होगा, वो देश भी अंग्रेजों का उपनिवेश रहा होगा। तो अब इंग्लैंड के बहुत सारे देश उपनिवेश थे। अब इन उपनिवेशों से इंग्लैंड क्या फ़ायदा उठाता था, इन उपनिवेशों के जो भी संसाधन होते थे उन संसाधनों का उपभोग इंग्लैंड करता था। अब इंग्लैंड के उपनिवेश से उसे क्या मिल जाता था, कच्चा माल मिल जाता था पर्याप्त मात्रा में उद्योगों को चलाने के लिए, चाहे वह भारत हो चाहे अफ्रीका हो, यहाँ से पर्याप्त मात्रा में उसको कच्चा माल मिल जाता था। उसके अलावा सस्ता मानव श्रम मिल जाता था, उद्योगों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी तो अपने उपनिवेशों से वह मानव श्रम आसानी से प्राप्त कर लेता था। और उसके अलावा जब फैक्ट्रियों में सामान निर्मित हो जाता था, कच्चे माल को जब बहुमूल्य उत्पाद में परिवर्तित किया जाता था, उसके बाद उस उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए जो बाजार था वह भी ये उपनिवेश ही उसके लिए बाजार का काम करते थे। अपने इन उपनिवेशों से वह कच्चा माल भी प्राप्त करता था, मानव श्रम भी प्राप्त करता था, उसके बाद जब सामान तैयार होता था उसको बेचने के लिए भी इन्हीं उपनिवेशों का वह लाभ उठाता था, इन्हीं देशों में वह बेचता था और लाभ प्राप्त करता था। तो बहुत सारे देश उसके उपनिवेश थे, तो हर तरह से हर एक चीज़ पर्याप्त मात्रा में उसको मिल जा रही थी जो औद्योगिक क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हो रही थी। उसके बाद तीसरा बिंदु हमने लिखा है कोयला एवं लौह अयस्क। अब किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कोयला और लोहा दोनों की आवश्यकता थी। लोहे की आवश्यकता क्या है, कोई भी उद्योग स्थापित करना है
फैक्ट्री लगानी है, संयंत्र स्थापित करने हो, लोहे के बने होते थे तो लोहे का होना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा उन उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, विद्युत की आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती थी और उस ऊर्जा से उद्योग चलाए जाते थे। तो ये जो कोयला है, लौह अयस्क है, यह पर्याप्त मात्रा में ब्रिटेन के पास थे। उसके अलावा उस देश ने अन्य देशों को जो अपना उपनिवेश बना रखा था उन देशों से भी पर्याप्त मात्रा में उसे खनिज मिल जाते थे। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में पर्याप्त मात्रा में खनिजों का भंडार है, तो वहाँ से इंग्लैंड उन खनिजों को प्राप्त कर लेता था, भारत से प्राप्त कर लेता था, क्योंकि इन देशों को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बना रखा था, तो इनके प्राकृतिक संसाधनों को, इनके खनिजों को वह आसानी से उपभोग में ले आता था। तो पर्याप्त मात्रा में लोहा और कोयला उपलब्ध था ब्रिटेन के पास, जो कि औद्योगिक क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हुआ। फिर उसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु हमने लिखा है नई मशीनों का आविष्कार। तो नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास क्या है, आर्थिक रूप से वह समृद्ध है, अब उन्हें अपने भोजन की चिंता नहीं करनी है, पर्याप्त मात्रा में उनके पास भोजन है, पेट भरा हुआ है, तो अब क्या कर रहा है, मस्तिष्क काम करना शुरू कर रहा है। तो नई नई चीज़ें, नई नई आविष्कार करने लगे, तो नए नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनें सामने आई, नई नई मशीनों का उन्होंने आविष्कार किया, और वो मशीनें जो हैं औद्योगिक क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हुई। जैसे कताई करने की मशीन आ गई, बिनाई करने की मशीन आ गई, और भी कई तरह की मशीनों का वहाँ पर आविष्कार हुआ। पावर लूम का आविष्कार करा, जैसे स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार करा, जैसे फ्लाई शटल का आविष्कार किया, जैसे ऐसे ही भाप के इंजन का आविष्कार और उस पर सुधार, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन में हो रही थी। तो नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था, नई नई खोजें हो रही थी, नई नई चीज़ें सामने आ रही थी जो औद्योगिक क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हो रही थी। अब अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु हमने लिखा है यातायात के साधनों का विकास। अब उद्योगों की स्थापना के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, आवश्यक तत्व जो होते हैं, उनमें परिवहन भी अहम भूमिका निभाता है। परिवहन की क्या उपयोगिता है, जो यातायात के साधन हैं, चाहे वह रेल हो, चाहे वह ट्रक हो, चाहे जहाज हो, उनसे क्या होता है, कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, उस कच्चे माल से फिर बहुमूल्य उत्पाद में उस कच्चे माल को परिवर्तित कर दिया जाता है, उससे उत्पाद बनाए जाते हैं, और उन उत्पादों को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो इंग्लैंड के पास यातायात के साधनों का भी विकास हो रहा था, तो वहाँ पर यातायात के साधन भी उपलब्ध थे, और उन यातायात के साधनों से यह हो रहा था कि कच्चे माल को उद्योगों तक पहुँचाने में आसानी थी, और उद्योगों से फिर निर्मित सामान को बाजार तक पहुँचाने में सहायता मिलती थी। तो इस तरह से परिवहन का भी विकास हो गया, यातायात के साधनों का विकास हो गया। अब हम जब पढ़ते हैं कि विश्व में सबसे पहले रेल कब चली, 1825 में चली थी, कहाँ चली थी, इंग्लैंड में चली थी, तो इंग्लैंड के पास यातायात के साधनों का विकास हुआ था, तो ये सभी कारण जो थे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए सहायक सिद्ध हुए, और यही वजह रही कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध थीं जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए आवश्यक थी। भूगोल में भी जब हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक कारक क्या क्या हैं, उनमें भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंग्लैंड के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, इसी वजह से वहाँ से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई।